ऑटो चालकों में स्ट्रीट क्राइम के विरुद्ध जनजागरूकता बढ़ी, उनकी संवेदनशीलता बढ़ी। इस उद्देश्य से शनिवार को ऑटो चालकों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरदार ने अधिक जानकारी साझा की। शहर में आए दिन आपराधिक मामलों में इजाफे होते देखे जा रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस की ओर से दिन रात मेहनत कर अलग अलग योजनाएं बना रही है और अपराधों की रोकथाम हो इस उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत शहर के ऑटो चालकों में स्ट्रीट क्राइम की जागरूकता संवेदनशीलता बढ़े। इस उद्देश्य से शनिवार को पुलिस की ओर से ऑटो चालकों की मीटिंग बुलाई गई। पुलिस को ऑटो चालकों की सतर्कता के कारण कई बार सहायता मिलती है, ऐसा इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरदान ने कहा। साथ ही इस विषय पर उन्होंने अधिक जानकारी साझा की। आज नागपूर शहर आयुक्तालय अंतर्गत अजनी विभागामध्ये आम्ही ऑटो रिक्षा चालक आणि त्या संघटनेचे पदाधिकारी यांचं एक बैठक मीटिंग या ठिकाणी बोलवली होती। त्याचा उद्देश असा होता की बऱ्याचदा जे स्ट्रीट क्राईम आहेत, रस्त्यावर घडणारे क्राईम, त्याबाबत दक्षता, जागरूकता, संवेदनशीलता ही ऑटो रिक्षा चालकांमध्ये येणं आवश्यक आहे। बऱ्यापैकी रस्त्यावर घडणाऱ्या घटनांची माहिती त्यांच्यामार्फत पोलिसांनाही मिळू शकते, त्यासोबतच ड्रायव्हर लाईनमध्ये सुद्धा जे काही क्रिमिनल्स वगैरे आहेत त्यांची माहिती पोलिसांना मिळावी। बऱ्याचदा जे ऑटो रिक्षा चालक दारू पिऊन वगैरे ऑटो वगैरे चालवतात, अशा लोकांवर सुद्धा काही कारवाई करता यावी किंवा प्रतिबंधात्मक कारवाई करता यावी या दृष्टीने चर्चा आणि मीटिंग या ठिकाणी आयोजित केलेली होती। तशा सूचना सगळ्यांना दिलेल्या आहेत, सर्वांचं सहकार्य आम्हाला अपेक्षित आहे आणि आमचंही सहकार्य त्यांना मिळणार आहे। शहर में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई कितनी हद तक कारगर साबित होती है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।